हम देखते हैं कि आपकी अगर बात करें, आपकी पूरी फैमिली की बात करें, बहुत ही स्पिरिचुअल है। हर साल हम देखते हैं नवरात्रि के मौके पर ये सब कुछ ऑर्गेनाइज आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल करते हैं। तो क्या कुछ फील करते हैं आज के इस दिन, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिन के बारे में? माता के दिन चल रहे हैं, मेरी शादी जहाँ पे हुई है, हम लोग भी माता को बहुत मानते हैं। और यू नो नवरात्रि का जो ये मौसम है जिसे कहते हैं, तो हम भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं उसको, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आई थिंक माँ जो है बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। और या वी लव इट, हमको बहुत मज़ा आता है करने में, और बहुत श्रद्धा से भी करते हैं। सर हम देखते हैं आप पूरे 9 दिन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही 9 दिन नहीं, मतलब कोई ना उसके पहले भी रहते हैं। जी सो आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस ये एक महीने जो आप पूरे अपने तन मन से पूरे इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पर? यहाँ कर कोशिश करते हैं, पब्लिक आए, विजिटर्स आए, डिवोटीज आए, दे हैव अ गुड टाइम और कंफर्टली हम उनके सुविधा के लिए सब करते हैं। हमारा सिक्योरिटी बोली, हमारा अरेंजमेंट बोली, हमारा स्टॉल बोली है, हर चीज़ हम कोशिश करते हैं दैट पीपल आर हैप्पी एंड गो। एंड भोग भी आप लोग बहुत ही अच्छे से, तो वो इस बार कैसे? काजल सर्व करके हम उनसे पूछे। काजल जी नहीं, मैं सर्व नहीं करती हूँ। हाँ, मैं सर्व करती हूँ, हाँ सर्व करती हूँ मैं, लेकिन बनाता कोई और है। अश्विनी का दिन इनका। हाँ काजल जी आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, और नवमी का दिन रानी देती है, अष्टमी का दिन काजल देती है। अष्टमी के दिन जो होता है, हम सब, हमारी फैमिली की पूजा होती है, तो हाँ हम सब आते हैं उस दिन। लेकिन आई थिंक हर दिन जो होता है वो माता का दिन होता है, हम लोग वही श्रद्धा दिखाते हैं, वही यू नो ये करके आते हैं कि हाँ आज जाएंगे और माता को मिलेंगे या जो भी है, तो इट्स दैट। एंड काजल जी, ऐसी कोई मन्नत होती है आपकी माता रानी से? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जिस मंदिर में भी गई हूँ, जब भी भगवान के सामने खड़ी हूँ, चाहे वो माता हो या जो भी हो, मुझे लगता है कि मांगने से बेहतर है आप बस उन यू नो उनको बोलो कि खुद देती है, खुद देती है, वो खुद जो देती है अपने हाथ से देती है, वो बहुत ज्यादा होगा। 72 ईयर की पूजा हो रहा है जी, हां वो तो और उनके उनके मर्जी से होगा। हम एक्चुअली प्लान करते हैं, और कहां माँ अपने आप प्लान करके खुद आती है, पैसा बोलो, स्पॉन्सर्स बोलो, हर चीज माँ खुद लेकर आती है। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिला वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, क्या कहना चाहेंगे आप इस ब्यूटीफुल साड़ी के बारे में जो आपको इतना अच्छा कमेंट? ये इतना ब्यूटीफुल साड़ी है क्योंकि मेरी सुंदर माँ ने मुझे ये साड़ी प्रेजेंट की थी दुर्गा लास्ट टू लास्ट दुर्गा पूजा में, एंड ये ट्रेडिशनल वो बंगाली साड़ी है, तो इसलिए। एंड मैडम यू नो सबसे ओल्डेस्ट दुर्गा पूजा 72nd ईयर है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी जो ट्रेडिशंस हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें अगर हम लोग नहीं मतलब रख सकते तो फिर हिंदुस्तान की क्या बात है, फिर हिंदुस्तान कैसे बना? और माँ दुर्गा जो है वो सबकी माँ है, और हमारे सासू जी ने हमको यही समझाया कि देखो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक दूसरे से प्यार करो। ये जो दुर्गा पूजा है ये सबको एक करती है, फिर यहाँ कोई मज़हब नहीं होता, यहाँ कोई, ये दुर्गा पूजा है, फिर कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी प्रार्थना कर सकता है, कुछ भी मांग सकता है, और माँ तो सबकी माँ होती है। नहीं डेफिनेटली हमारे फेस्टिवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक फैमिली को साथ में मिलाते हैं, हम सबको साथ में रखते हैं। यू नो हमारी ज़िंदगी इतनी यू नो वर्क ओरिएंटेड हो जाती है कि फेस्टिवल्स में हम सब साथ में मज़े कर सकते हैं, यू नो साथ में व्हेन यू डू प्यार का माहौल होता है, प्यार का माहौल, यहाँ कोई क्लेश नहीं होता, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई किसी के बारे में जेलस नहीं होता, जेलसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूजा की विशेषता क्या है तनुजा जी? इस पूजा की विशेषता क्या है? आई थिंक मॉम विल से इट बेटर देन आई विल। इस पूजा की विशेषता यही है कि मेरे जो सासू जी थे उनका यही एक मकसद था कि सब हमारी जो फैमिली है वो एक हो, और ये पूरे जितने लोग यहाँ आएंगे वो एक फैमिली की तरह यहाँ आए। यू नो मैडम
भोग भी स्टार्ट. आई थिंक दैट ये विशेषता मेरे आइडिया में इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि हम इतने लोगों को भोग खिलाते हैं एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग. क्योंकि जो भी आप लोगों को खिलाते हो तो आप बहुत पुण्य कमाते हो. एंड करती है क्या? सॉरी, मैं भी भोग सर्विंग करती हूँ. मुझे ऑर्डर दिया गया है श्यामला दादा ने कि मुझे सर्व करना ही पड़ेगा. तो मैं हर साल बचपन से सर्व करते हो. ये सब बच्चे लोग जो है ना, ये एक पूरी फैमिली है करती है कि पूरी फैमिली और हमारे सब बच्चे मतलब 2 साल की उम्र से सर्व करते हैं. सो बिफोर दैट आई जस्ट हैव टू से वन थिंग एक्चुअली कि हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, हम अपने वातावरण को ध्यान में रखकर मनाना चाहिए. क्योंकि ऑनेस्टली द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग वेरी रुइंड. हमारे फेस्टिवल्स, भगवान जी भी नहीं बोलते हैं कि हमारी धरती को बर्बाद कीजिए. सो प्लीज़ कीप द एनवायरनमेंट इन माइंड व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस. सर ने एक सवाल पूछा. जी हाँ, हमारी मूर्तियाँ रिसाइकल होती है हर साल. एंड सर ने एक और सवाल पूछा कि आपका रानी मुखर्जी. आप फिर से पूछिए. रानी हमारी बच्ची है, सीधी सी बात है. एंड यू नो मैडम, आप हमने काजोल जी से ही बात की, सर से ही बात की. आपकी जो पूरी फैमिली है बहुत ही स्पिरिचुअल है. जैसा कि आपने भी कहा, मैं अपने सासू माँ से ये संस्कार लेके आई हूँ. अब हम देखते हैं कि आप अपने बच्चों को भी ये देते हैं. कितना इम्पोर्टेंट है आज के संस्कार 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 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना. जो संस्कार है वो हमको हमारे माँ ने दिए, हमारे नानी ने दिए, हमारे दादी ने दिए. वही संस्कार हम हमारे बच्चों को देते हैं. जिस फैमिली में मैं आई शादी करके, उस फैमिली के बस संस्कार वही थे. हमारे सासू जी ने वही संस्कार दिए हमको, तो हम तो वही संस्कार देंगे ना बच्चों को. थैंक यू जी. थैंक यू. कंट्री, दैट्स व्हाट मेक्स इंडिया व्हाट इट इज. द फैक्ट दैट वी हैव दीज ट्रेडिशंस, वी हैव दीज फेस्टिवल्स, इट रियली मेक्स इंडिया सच अ पावरफुल कंट्री टुडे. द फैक्ट दैट वी हैव सच अ स्ट्रांग cultural heritage and part of this cultural heritage is Durga Puja. So I'm saying it in English because unfortunately that is the language that I'm most comfortable to say this in. But abhi hum shanti preparations pe prepare kar rahe hain. Sabna aap board, you know, you look after a lot of things. So kitne challenges hote hain. I mean, it looks beautiful wahan jo devotees aate hain, usme darshan karte hain, lekin back end is too much of एक्चुअली क्या है कि यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं. समबडी लुकिंग आफ्टर द आर्ट, समबडी लुकिंग आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, समबडी लुकिंग आफ्टर द बुक. तो हमारा क्या है कि देयर आर डिपार्टमेंट्स एंड देयर डिपार्टमेंट हेड्स एंड वी कोऑर्डिनेट विद देम. तो क्या होता है कि इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज हमारा यहाँ का जो फुटफॉल होता है एवरी ईयर इज ग्रोइंग. कभी 1 लाख था, कभी 2 लाख था, अभी 5 लाख के ऊपर फुटफॉल होता है. तो यहाँ हमारा जो भोग होता है वहाँ करीबन दिन में 8,000 से 10,000 लोग खाना खाते हैं. एंड दिस एंटायर थिंग इज एसी डोम. तो हमको देखना पड़ता है कि हमारा यहाँ एसी चल रहा है ठीक से. जो लोग बाहर से आते हैं, अक्टूबर हीट है तो यहाँ अंदर का टेम्परेचर शुड बी वेरी कोल्ड, नाइस कूलिंग एंड वेरी कम्फर्टेबल फॉर द मेम्बर्स एज वेल एज द गेस्ट. तो इट इज़ चैलेंजिंग फॉर अस एंड आई थिंक एवरी ईयर हम यो चैलेंज को देते हैं एंड वी कम आउट ऑफ फ्लाइंग कलर्स. सेम जी, भोग के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं आप हर साल? बंगाली भोग के लिए सभी एक्साइटेड रहते हैं, खास एंड खास क्योंकि वो अपना भजिया जो रहता है, बंजाल का भजिया जो रहता है, खिचड़ी जो रहता है, उनका स्वाद ही अलग होता है. आई थिंक माता के पास जब आते हैं सब, माता का जब भोग लगता है उस दौरान जो स्वाद आता है, आई डोंट थिंक कि घर के स्वाद होगा. हमारा जो भोग है इस पूजा का, आई डोंट थिंक सारे इंडिया में जो मेन्यू हमारे भोग में होता है कहीं भी है. ये एक ही जगह होगा जहाँ करीबन 8,000 से 10,000 लोग एक ही जगह मतलब बैठते हैं एसी डोम में और मेंबर्स को सर्व करते हैं. और हमारे जो मेन्यूज़ है उसमें करीबन 10 से 12 आइटम्स होते हैं. वो कहीं नहीं मिलेगा आप अगर जाते हो कहीं भी कैलकटा हो, आपको ऐसा मेन्यू नहीं मिलेगा. सो एज अ फैमिली सारी कितनी एक्साइटमेंट रहती है बिकॉज ये बहुत बिजी डेज रहते हैं, 5 और पूरा यू ऑल लिटरली और 24/7. तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है? एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि इतने सारे लोग से मिलने को मिला होता है,
रिलेटिव्स कम, हमारे कजिन्स हम सब साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, और सोमराट हमारे इट इज एक्चुअली जस्ट पूजा वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडफादर. तो इट इज़ लाइक क्या होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो द एंटायर फैमिली ऑल द मेम्बर्स जो आते हैं, इट इज़ फॉर देम अ वेरी बिग ड्यूटी. एक चैलेंज भी है, मगर इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमारे लिए ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी गेट टुगेदर्स होते हैं. And it is a very, 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 very big pooja. Every year it is, we are going up and up. In fact, हमारा अगले साल का preparation अब से शुरू हो जाता है. उनका जो मतलब जो design होना चाहिए, वहाँ कैसी लगेगी, बाकी सब चीज़ें planned 1 year in advance. तो हमारा पूरा team जो है, हम लोग जो इस heads जो हैं, उनको instruction दिया जाता है कि okay, you are handling this and this is how it's supposed to go. Thank you. Thank you and good luck.